बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी की है। ए बैग कंटेंस टू रेड मार्बल्स, 9 ब्लू मार्बल्स, 18 ग्रीन मार्बल्स, 10 पर्पल मार्बल्स एंड 7 येलो मार्बल्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट ए रेड मार्बल इन द फर्स्ट केस, not replacing it and pulling out the purple marble in the second case। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दो हम जब मार्बल फाइंड निकालेंगे इसमें बैग में से, तो पहले तो एक निकालेंगे वो रेड हो, और इसे निकालने के बाद हमें रखना नहीं है, फिर हम दूसरा मार्बल फाइंड निकालेंगे बैग में से वो पर्पल हो। तो इन यानी दो जो हमने मार्बल निकाले हैं, एक रेड हो और दूसरा पर्पल हो, और एक के बाद एक निकाले गए और पहला वाला उसमें वापस नहीं किया गया था, तो हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की फाइंड करना है। एक रेड हो दूसरा पर्पल हो, कंडीशन लगी हुई है कि हमने ये पहली बार निकाला था रेड मार्बल, तो हमने उसको दोबारा से बैग में नहीं रखा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसके सोल्यूशन में, जो कि हम अगले पेज पर यहाँ पर लिख रहे हैं, देखना होगा कितने मार्बल हैं, कौन कौन से कलर के हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये दो रेड मार्बल हैं, 9 ब्लू मार्बल्स हैं और 18 ग्रीन मार्बल्स हैं, 10 पर्पल मार्बल्स हैं और 7 येलो मार्बल्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल अगर कहें मार्बल, टोटल मार्बल्स की बात करें तो हो जाएगा 20 और 10 30, और इनको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 46 मार्बल्स हैं। अब इस बैग में जो कि 46 मार्बल हैं, इसमें से फर्स्ट जो मार्बल हम से इसमें से निकालेंगे, तो इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। द probability of pulling out a red marble in the first case। तो इसके देखिए टोटल तो 46 है, नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम तो अपान में लिख दीजिए, और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि रेड हमें फाइंड करना है, रेड निकालना है, तो रेड ओनली 2 हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम को ऊपर लिख दीजिए। इसको आप चाहें तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, 1 से कैंसिल करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। यानी पहली बार हम जब रेड मार्बल पहली गेंद निकाल रहे हैं, जब पहली मार्बल निकाल रहे हैं बैग में से, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/23। अब इस मार्बल को जो आपने निकाल लिया है, इसको दोबारा से यहाँ पर नहीं रखना है, यानी अब इसे निकालने के बाद ऑन रिप्लेसिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉट रिप्लेसिंग इट एंड पुलिंग आउट ए मार्बल, यानी दोबारा से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो कितनी बचेंगी। आफ्टर इट नंबर ऑफ मार्बल बचेंगी, नंबर ऑफ मार्बल जो बैग में बचेंगी, एक निकाली जा चुकी है तो 46 थी, उसमें से एक निकलने के बाद 45 मार्बल बचेंगी, जिसमें से हमें 45 में से एक पर्पल मार्बल जब निकालेंगे, अगर पर्पल मार्बल लिख ले उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हम लिखेंगे, हालांकि प्रोबेबिलिटी तो ये फाइंड करनी है कि एक रेड हो और दूसरी पर्पल हो, और हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट ड्रॉ में निकाली थी मार्बल बैग में से। तो देखेंगे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ pulling out a purple marble
इन सेकंड केस तो आपको मालूम है 45 मार्बल्स हैं टोटल, उसमें से पर्पल आपके 10 मार्बल ही बचे हुए हैं, 10 मार्बल थे पहले भी। और इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं 5 से कैंसिल करके, ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, यानी 2/9 आ जाएगा ये सॉल्व होने के बाद। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो हम एक मार्बल निकालें 46 मार्बल में से, तो वो रेड हो, और उसके बाद हमें उस मार्बल को रखना नहीं है, फिर हम दूसरी मार्बल भी निकालें और वो पर्पल हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसको हम लिख देते हैं जो हमें ज़रूरत है वो प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पहली जो इवेंट थी यानी रेड निकालना, अब दूसरी बार का ये पर्पल निकालना इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले क्या निकल चुका है इसका दूसरी वाली पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दोनों इवेंट जब इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से मिलती है। तो इस तरीके से हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हमारी ये 2/207 आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।